माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ की अगर भक्त सच्चे मन से और पूरे विधि विधान के साथ पूजा आराधना करे तो उनकी जो मनोकामनाएं हैं भगवान भोलेनाथ जल्द पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वहीं ज्योतिषविदों की माने तो पूजन सामग्री में कई ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ के ऊपर अर्पण नहीं करना चाहिए, इससे भक्तों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्या वह वस्तुएं हैं सीधे हम जानते हैं देवघर के ज्योतिष आचार्य से। ज्योतिष आचार्य जी कई जातक शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन शिवलिंग की पूजा करते समय कई भूल भी कर बैठते हैं, जैसे कई वस्तुएं हैं जो शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, तो क्या ऐसी वस्तुएं हैं जो शिवलिंग पर नहीं चढ़ाएं। हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। भगवान शिव की पूजा जो है वह बहुत विधि और विधान से किया जाता है। शंकर भगवान की पूजा में आपको उस पूजा से आप मनोभिलषित अपनी इच्छा के अनुसार आप फल पा सकते हैं। थोड़ी सी यदि सावधानी के साथ पूजा करें तो आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। जैसे कि कुछ ऐसे भी वस्तुएं हैं जिसको कि शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए, अर्पण नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ व्यक्ति पूजा के सामानों को समझ करके अर्पित कर देते हैं। जैसे कि केतकी का पुष्प जो है वह शिव जी को अर्पण नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको तो फल मिलेगा ही नहीं और पहले का भी पुण्य जो है वह समाप्त हो जाएगा। इसलिए केतकी के फूल को भगवान शिवलिंग के ऊपर न चढ़ाएं। दूसरी बात है तुलसी का पत्ता। जिस तरह बिलपत्र चढ़ाते हैं उस तरह से तुलसी का पत्ता तोड़ करके शिवलिंग पर न चढ़ाएं। और चावल अर्पण जो करते हैं तो अरवा चावल जो होता है वो खंडित नहीं होना चाहिए। टूटा हुआ चावल यदि आप शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं तो आपको उससे लाभ नहीं होगा, घाटा होगा, फल की प्राप्ति नहीं होगी, ऊपर से हानि होगी। और नारियल मंदिर में ले जाके फोड़ते हैं तो नारियल का पानी शंकर भगवान के ऊपर चढ़ता ही नहीं है, इसलिए नारियल का पानी शिवलिंग के ऊपर नहीं डालना चाहिए, नहीं फोड़ना चाहिए। फोड़ के नारियल को चढ़ाइए वो ठीक है, लेकिन नारियल का पानी कभी भी भूल करके शिवलिंग पर न चढ़ाएं। और सिंदूर, सिंदूर शिवलिंग के बगल में अशोक सुंदरी है उस जगह आप चढ़ाएं, भैया पार्वती है वहाँ चढ़ाएं, लेकिन शिवलिंग के ऊपर सिंदूर अर्पण न करें।